नमस्कार मित्रों, आप सभी का नरेंद्र विश्वकर्मा यूट्यूब चैनल में मैं नरेंद्र विश्वकर्मा हार्दिक स्वागत करता हूँ। वर्ग तीन पदवृद्धि को लेकर अंदर की बात। वर्ग तीन पदवृद्धि को लेकर अंदर क्या चल रहा है, विदाउट ऑफिशियल यह अंदर की बात है। आज हम बात करेंगे कि विभाग व राजनेताओं के मध्य क्या बात चल रही है। जो हमें जानकारी प्राप्त हुई है उसी टॉपिक पर हम बात करेंगे। क्या वास्तव में वर्ग तीन में पदवृद्धि हो सकती है अभी भी? तो हमें जो जानकारी प्राप्त हुई है उसी आधार पर वर्तमान में जो मुरैना में माननीय मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन दिया गया था वह हर कहीं हद तक विश्वसनीय रहा है। वर्तमान में माननीय वर्तमान मुख्यमंत्री जी साथ ही सत्ताधारी पार्टी यह जानती है कि यदि कोई गेम चेंजर की भूमिका अदा कर सकता है तो वह शिक्षक भर्ती परीक्षा कर सकती है, क्योंकि यदि कहा जाए तो शिक्षक भर्ती परीक्षा एमपी का सबसे बड़ा मुद्दा बनता जा रहा है और एक हद तक यह सफल भी हो चुका है। वर्तमान में वर्ग एक, वर्ग दो और वर्ग तीन के लिए के द्वारा, विशेष तौर पर वर्ग तीन, वर्ग एक, वर्ग दो के द्वारा भरपूर प्रयास किए जा रहे हैं। अपना जितना वह पूर्ण दे सकती थी पूर्ण अपना प्रयास दे रही है। तो इस टॉपिक पर अंदर बात हुई है, विभाग के द्वारा बात चल रही है, विभाग के अधिकारी इस टॉपिक पर बात कर रहे हैं क्या वर्ग तीन में पदवृद्धि करनी चाहिए। साथ ही साथ राजनेताओं के भी कुछ मत हैं। कुछ अधिकारी कुछ कर रहे राजनेताओं का मानना है कि वर्ग तीन में पदवृद्धि के साथ थर्ड काउंसिलिंग जुलाई के बाद की जाए, क्योंकि राजनेताओं का ऐसा भी मानना है कि जुलाई में यदि सेकेंड काउंसिलिंग पूरी होती है तो थर्ड काउंसिलिंग का पूरा पूरा लाभ चुनाव में सीजन पर मिलेगा। और राजनेता हो या कोई भी सत्ताधारी पार्टी हो या विपक्ष हो, सबसे महत्वपूर्ण उन्हें होता है युवाओं का भविष्य नहीं, उन्हें अपना चुनाव निकालना, और चुनाव में वह सब करते हैं। इस कारण से जो हमें जानकारी प्राप्त हुई है, क्या तो थर्ड काउंसिलिंग के साथ पदवृद्धि हो सकती है या फिर सेकेंड काउंसिलिंग में पदवृद्धि का जल्द ही कुछ मिल सकता है। अधिकांशतः हमें जो जानकारी प्राप्त हुई है थर्ड काउंसिलिंग के साथ ही पदवृद्धि की उम्मीद है। यदि इसी प्रकार प्रयास करते रहे तो चुनावी साल है, वर्तमान सरकार भी यह जान चुकी है जो वर्तमान में वर्ग एक वर्ग दो की शिक्षक भर्ती परीक्षा व तीन की है, यह है उनका सरकार बनने व बिगाड़ने में अहम रोल निर्वहन करने वाला है। इसलिए वे भी चाहते हैं कि वर्ग एक वर्ग दो वर्ग तीन के अभ्यर्थियों को किसी न किसी प्रकार से खुश किया जाए, और खुश करने का मात्र एक जरिया है वह है वर्ग तीन पदवृद्धि थर्ड काउंसिलिंग के साथ। तो यह बात अंदर चल रही थी जो हमने अब तक शेयर की। यदि आपको जानकारी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक जरूर करिए। जो भी हमें जानकारी प्राप्त होगी वह हम आप तक जरूर शेयर करेंगे। नमस्कार मित्रों, जय माता दी, राधे राधे, जय श्री राम।